तो अभी हम होटल के बाहर पे हैं और अभी एग्जैक्टली दीमापुर का रेलवे स्टेशन के आसपास पे, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे वो दिमासा कछारी किंगडम को देखने के लिए, और वहाँ जाके आप लोग को बताता है वो जगह के बारे में, और यहाँ से मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो रास्ता यहाँ से कहाँ तक किस तरफ जाता है। तो अभी जस्ट उठे हम लोग और फ्रेश अप किया और अभी यहाँ से आगे जाने वाले हैं। और अभी का टाइम हो गया 7:19, 7:19 के लिए था यहाँ पर, पूरा गाड़ी वगैरह सब कुछ चालू हो गया, दुकान सब तो अभी भी बंद नहीं है यहाँ पर, और वैसे तो रात को जल्दी बंद नहीं होता है दुकानें होटल वगैरह सब, पूरा 10:30 11:30 तक आराम से खुला रहता है ज़्यादातर दुकानों पर। आप लोग जब भी आओगे बिना टेंशन का आना, यहाँ पर नाइट लाइफ भी है, हम लोग शायद जाएंगे इस तरफ या मे भी उस तरफ जाएंगे, पता नहीं। सुदीप भाई वहाँ पर बाइक स्टार्ट कर रहा है और मैं यहाँ पर उसको वेट कर रहा हूँ, और हम लोग यहाँ से सीधा निकलेंगे दिमासा कछारी किंगडम की तरफ, और आप लोग को भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर कैसा कैसा है हमारा ये वहाँ पर मोन्यूमेंट स्ट्रक्चर है सब। तो हम लोग तो गूगल मैप धोखा कर रहा है, कभी इस तरफ दिखा रहा है कभी इस तरफ दिखा रहा है। आप लोग जब आओगे यहाँ पे दिमापुर पे वो रेलवे स्टेशन के थोड़ा आगे आके लेफ्ट साइड पे KTM हस्कावर्णा का सर्विसिंग सेंटर भी मिल जाएगा आपको, वो शोरूम नहीं है वो सर्विसिंग सेंटर है। 7:30 में ही दिमापुर का सब दुकानें खुल चुका है और लोग भी भर गया है रोड पर। यहाँ पर बहुत सारा होटल्स है, जहाँ पर जिस लाइन पर हम लोग रह रहा है वो बर्मा कैम ऐसा कुछ है उस जगह का नाम, और वो जगह पर भाई लोग बहुत सारा होटल्स वगैरह मिल जाएगा आप लोग को, अच्छे बढ़कर एक बजट वाला बड़ा हाई बजट वाला सब मिल जाएगा आपको। आप लोग देखो ये 7 बजे है यहाँ पे, 7:30 दिमापुर पे 7:30 पे इतना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे, वही वही आज भी लोग बहुत जल्दी उठता है यहाँ पे। भाई लोग देखो 7:30 को इवन स्कूल्स वगैरह भी है शायद, ये छोटा सा लड़की स्कूल जा रही है, यहाँ पर सब चीज़ जल्दी खोल जाता है और रात को भी सब दुकानें जल्दी बंद नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पर 10:30 11 तो मतलब आप लोग आराम से जा सकते हो उस टाइम में भी, दुकानें वगैरह ये सब बाहर पर घूम सकते हो, लोग तब भी भीड़ रहता है यहाँ पर। एरिया है सर्किट हाउस कॉलोनी दिमापुर, सिंस यहाँ पे गड्ढे होने के कारण बाइक को वहाँ पर छोड़ रहा है, और अभी हम लोग एंट्री करेंगे इस जगह को, देखते हैं ये जगह पर क्या क्या है। वैसे तो मुझे ये जगह पर बचपन से आने का मन था, बहुत ही मन था। ए व्हाट आर यू डूइंग हियर? यहाँ पे एंशियंट गेट मोनोलिथ ऐसा कुछ टॉयलेट वगैरह दिस एंड दैट मतलब दिखा रहा है यहाँ पे किस तरफ क्या है। तो इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ क्या क्या है वो देखेंगे। तो ये जो एरिया आप लोग पूरा देख पा रहे हो, ये जो पूरा एरिया है ये वाला राजबाड़ी एरिया है, और ये दिमासा का किंगडम का एरिया है। एक ज़माना पर यहाँ पर दिमासा लोग रूल करता था ड्यूरिंग 10th to 13th century। सो मैं भी वही ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, सो मैं यहाँ पर देखने को आ गया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे बचपन से देखने का मन था कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सिलचर का राजबाड़ी को तो देख लिया, अभी मुझे यहाँ का दिमापुर का देखने का मन था, क्योंकि ये वाला मेन है, इसके बाद वो लोग उस तरफ शिफ्ट हुए। तो आप लोग को भी दिखाता है साथ में, यहाँ पर थोड़ा आगे मुझे दिखाई दे रहा है सोम वगैरह के जैसा। तो मैं आप लोग को एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। ये हो गया मोनोलिथ, ये इसको मोनोलिथ के नाम से जानते हैं शायद, और इसका अंदर जाके दिखाते हैं। पत्थर के ऊपर पत्थर रख रहा है, मेरे ख्याल से ये इसको वो लोग ने खुद नहीं रखा, ये पहले से ही ऐसा है मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग देखो पत्थर के ऊपर पत्थर लग रहा है, पत्थर के ऊपर थोड़ा डिज़ाइंस वगैरह काट किया था वो, जो आप लोग को इस तरफ से दिखाता है, ये जो काट देख रहे हो आप लोग स्लोप्स के जैसा, यह भी थोड़ा फेट होने लग गया क्योंकि बहुत साल पुराना है ब्रो, बहुत साल पुराना।
तो ऐसा ये पत्थर भी शायद पहले खड़ा हुआ था, वो अभी गिर गया ऐसा लग रहा है मुझे। आप लोग देखो चारों ओर पत्थर ही पत्थर है, तो आप लोग को दिखाता, ये देखो यहाँ पर पूरा स्क्रिप्चर के जैसा है पत्थर के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला हमारा डिमासा किंगडम का है, डिमासा कछारी लोग का ही है ये। पत्थर के ऊपर भी बहुत सारा कट्स वगैरह डिज़ाइन है, बट अभी वो फेडेड होने लग गया क्योंकि बहुत ही साल पुराना है, तो तब भी अभी भी ये पिलर खड़ा है। और आप लोग देखो ये वाला भी, इस पर भी पूरा बहुत सारा वो वगैरह स्कल्पचर्स वैसा डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ से जाएंगे थोड़ा और उस तरफ पे, एक दो है बड़ा बड़ा सा पिलर, में आप लोग को दिखाता है उस तरफ जाके। ये पत्थर में अभी भी चक्रा जैसा डिज़ाइन है, ये सब डिमासा कछारी किंगडम के वो ज़माना के टाइम पे है, ड्यूरिंग 10th to 13th century। उस ज़माने पे डिमासा लोग यहाँ पर रूल करते थे। तो दिमापुर कैसे नागालैंड के अंदर आ गया वो सब बहुत लंबा हिस्ट्री है, मैं वो सब बात नहीं करूँगा, बिकॉज मैं बस ये आर्कियोलॉजिकल साइट को दिखाने के लिए आया आप लोग को, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉपुलर है नागालैंड के बीच में, नहीं हम लोग का टूरिस्ट बाहर लोग के बीच में, क्योंकि ये वाला ये जगह पे आके ये चीज़ देखने के लिए बहुत लोग बहुत टाइम से वेट भी कर रहा है, और मैं ये जगह पे आने के लिए लगभग 2019 से वेट कर रहा है यहाँ पर आने के लिए। तो आप लोग को मैं वही दिखा रहा हूँ, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, तो आप लोग को अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, आप लोग को भी दिखा रहा हूँ साथ पे। और थोड़ा दूर जाके एक बड़ा सा टॉम्ब है, टॉम्ब जैसा बना हुआ है यहाँ पे, एक बड़ा सा टॉम्ब बनाया हुआ है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है, सो मैं अंदर नहीं घुस पाऊँगा। और यहाँ पे मुझे एक लेडी दिखाई दे रहा है जो अभी थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर रहा है। आंटी हाँ। आपको क्या पैसा मिलता है ये करने का? नहीं। आप खुद से करता है? अपना घरों के लिए काटता है ना? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है आंटी, ऐसे ही काट काट के सफा भी कर दे, ज्यादा काट लो। आंटी को पूछा है, यहाँ पर कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं है, आंटी जो मैं दिखाया था आप लोगों को घास काटे वो अपना घर के लिए काट रहा है, अपना काऊ के लिए काट रहा है। और मुझे यहाँ पर एक लेक जैसा दिखा, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ अभी, सॉरी रास्ता तो नहीं है, इस तरफ देखो आप लोग इतना जंगल सा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सुंदर सा लेक है, पॉन्ड बोलेगा या लेक बोलेगा, यहाँ पर सुंदर सा लोटस भी है, लोटस फूल। एक चीज कॉमन क्या है पता है, डिमासा में कछार का और ये दिमापुर का दोनों में भी लेक है, बट यहाँ का लेक अभी भी थोड़ा बहुत सुंदर से बनाया हुआ है। अभी भी ये जो नीचे पे आप लोग देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये अभी भी लगता है कि रिसेंटली उतना टाइम नहीं हुआ होगा, ये लोग उसको फिर से प्लास्टरिंग वगैरह किया। और कछार का तो लेक तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है, बट लेक है वहाँ पर भी, एक ज़माने पे वहाँ पर लेक था। और एरिया को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कछार का ज़्यादा बड़ा होगा, ये वाला भी बड़ा है बट इतना बड़ा तो नहीं है जितना कछार का वाला बड़ा है। यहाँ पर बैठने का सीट बनाया, मतलब बाहर का लोग के लिए, टूरिस्ट लोग के लिए, बट हाल देखो इसका, पूरा जंगल हो चुका है, अभी आप आके बैठेगा कौन, सांप का दस्त खाएगा कौन? ये बड़ी अच्छी बात कही आप, यहाँ पे कोई बैठेगा नहीं, सो पूरा जंगल हो चुका है। और मुझे लगता है कि ये सब थोड़ा ये छोटा ग्रास है, ये भी वो आंटी लोग का गैंग ही काटा होगा अपना घर का गोरू के लिए, तो वही है आंटी लोग ने ही इनडायरेक्टली मेंटेनेंस कर रहा है विदाउट मनी, दे आर नॉट बींग पेड। अब लोग का अभी उस तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर पूरा पिलर्स खड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा टॉम्ब, उस तरफ लेके चलता हूँ। अभी यहाँ से जाना है ऐसा जाके उस पार पे जाना है, वहाँ से तो कोई रास्ता नहीं है, सो मैं आ गया इस तरफ, पूरे जंगली उस तरफ। आंटी बाहर से क्या लोग आता है यहाँ पर? बाहर से लोग आता है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं मतलब जैसे कि बाहर से कोई घूमने आता है ये जगह को देखने के लिए? आता है? अच्छा, लेकिन साल, आंटी साल में इसको कुछ करता है? साल, एक साल के अंदर में कुछ मेंटेन करता है इसको? एक साल में ना बहुत कम करता है लेकिन। अच्छा,
ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गया। साल साल में करता है। ठीक है आंटी से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गया। आप लोग को भी सुना होगा आंटी ने क्या बोला। जैसे कि हमने आंटी को पूछा और आंटी ने बताया हमें कि यहाँ पर साल साल पे भी टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। साल में बहुत बार मतलब बहुत सारा टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। और मैंने पूछा आंटी को क्या ये मेंटेनेंस करता है ये जगह का, तो आंटी बोला साल पे एक बार तो करता है वो लोग। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें इससे बेटर होना चाहिए था मेरे ख्याल से। और यहाँ पे बड़ा बड़ा सा सुंदर सा ट्री है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो ये ट्री बहुत ही सुंदर है भाई लोग, दो ट्री है यहाँ पे एक साथ में। तो चलो हम लोग इस तरफ ही जाएंगे। लेट्स हॉक दिस ट्रैवल आंटी। आंटी ये जगह को साफ करता है आप लोग? आप लोग तो बस अपना घर के लिए गोरू वगैरह के लिए ना, ऐसा कोई आदमी लोग आता है इसको साफ करने के लिए आंटी? अभी बंद है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, इसके अंदर नहीं जा पाएगा। मुझे जाने का मन था एक्चुअली में, देखो ताला लगा हुआ है। 10 बजे सबको? अच्छा ठीक है आंटी, ठीक है चलो इस तरफ से घूम लेते हैं, नहीं तो बाहर से ही देख लेंगे। सो वो चौकीदार का पास है चाबी ताले का, और मैंने पूछा आंटी को कि वो आता कितना बजे को है, तो आंटी ने बताया कि कभी वो आता है कभी वो नहीं आता, उसे कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये उतना ट्रेंड वाला स्पॉट नहीं है, मतलब लेस विजिटर है साल पे। और देखो ये सब पूरा जंगल हो चुका है, मतलब बहुत सारा चीज़ें है। देखो यहाँ पे पूरा ढक चुका है, ये यहाँ पर भी एक पिलर है वो पूरा ढक चुका है जंगल से, बहुत सारा चीज़ें पूरा ढक चुका है जंगल से। और यहाँ पे इवन वो क्या लिखा है GFFV ARC, उस जमाने पे दिमाशा लोग इंग्लिश जानता था क्या? नहीं। और वो थोड़ा अंदर के पिलर पे मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर पिकॉक का पूरा इस तरफ पिकॉक है इस तरफ मुर्गी है, उसका मतलब उसका डिज़ाइन किया हुआ है पत्थर पे, उसका स्कल्पचर पूरा। और यहाँ पर पूरा हमारा मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रहा क्योंकि थोड़ा बहुत दूर है, बहुत कुछ है मतलब ये पत्थर पे डिज़ाइन वगैरह स्क्रिप्चर से सब। मुझे अंदर जाने का बहुत मन कर रहा है बट क्या करूँ, अभी जाम मार के भी तो नहीं जा सकता है, दूसरा स्टेट है उतना रिस्क लेना भी ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई लोग ने इसको तोड़ दिया है, इससे अंदर जा सकेगा बट नहीं हम नहीं जाएंगे, बिकॉज वो लोग सोचेगा कि हम लोग ने तोड़ा ये चीज़। सो चलो भाई नहीं चाहिए वो फैसिलिटी, बस बाहर से देख लेंगे। यहाँ पर भी हर पत्थर में कुछ ना कुछ ड्राइंग्स वगैरह स्क्रिप्चर है इसमें, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे दिखा रहा है टैंक है, ड्रिंकिंग वाटर है जो उस तरफ है, उस तरफ माने कि जो पॉन्ड है वो मैंने उसे दिखाया वही है। और इस तरफ पे तो पूरा का पूरा जंगल हो चुका है। और थोड़ा पीछे जाके वहाँ पर एक बड़ा सा मोनूमेंट अभी भी है, आई थिंक सो हम लोग जा सकेंगे उस तरफ पे। वो मोनूमेंट पे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं और अंदर पे क्या है वो दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर भी आने का घुसने का बहुत मन था बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर पूरा लॉक है। अब मुझे बहुत दिखाने का मन कर रहा है, मैं आँख से तो देख पा रहा हूँ बट आप लोग को नहीं दिखा पा रहा हूँ। अंदर पे इतना पत्थर पे इतना सारा स्क्रिप्चर से बहुत इंटरेस्टिंग है ब्रोस, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा दिमाशा किंगडम उस टाइम पे क्या क्या वगैरह मतलब वो सब आर्ट करता है पत्थर वगैरह पे, और उसका कुछ मतलब तो होगा बट हमको वो समझ में नहीं तो नहीं आ रहा है अभी तो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ख़राब हालात से रखा है हमारा इस किंगडम को, दिमाशा किंगडम को। यहाँ पर आप लोग देखो पूरे जंगल हो चुका है, नो मेंटेनेंस एट ऑल। और वो लोग को तो इसको थोड़ा प्रमोट करना चाहिए था थोड़ा सा, क्योंकि यार ये बहुत साल पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट है भाई, ये चाहे उसने बनाया हो ये चाहे हमने बनाया हो भाई, बट है तो अपने जगह पर ना। वो सोच के इसको थोड़ा बहुत डेवलप करना चाहिए था और मेंटेनेंस के वगैरह पे क्लीन करके टूरिस्ट को प्रमोट करना चाहिए था मेरे ख्याल से।
वहाँ पर पूरा मैप है, राइट साइड पे टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, डिसेंटर, पूरा एक डायग्राम्स ड्रॉ करके रखा है, पूरा एक मैप इस जगह के बारे में। सो लेट्स रीड दिस। नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप लोग खुद पढ़ लेगा, ठीक है, मेरा वीडियो पॉज करके। और इस बाउंड्री के अंदर पे यहाँ पे एक घर जैसा कुछ बनाया है, लगता है इन फ्यूचर ये वाला कैफेटेरिया कुछ होने वाला है, इन फ्यूचर कैफेटेरिया वगैरह, आई होप सो। हमारा तिरंगा है ऊपर पे, बहुत बड़ा है। ये देखो ये बहुत ही बड़ा इंडिया फ्लैग है, पिलर भी बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ऊंचा है। तो इस तरफ जाएंगे और वो जो घर जैसा बना हुआ है वहाँ पर वो जाके एक्सप्लोर करेंगे। अभी का हालत यहाँ पर ऐसा है कि हमें डर भी लगता है कि कहीं से सांप ना निकल जाए, क्योंकि उस हालत में रखा है इसको, ये जगह ऐसा हालत हो चुका है। अभी लगता है कि कहीं से सांप आने वाला है, कभी कहीं से कुछ मतलब डेंजर स्पीसीज आने वाला है। ये बाउंड्री कैंपस जो है बहुत ही बड़ा है, इस तरफ तो और कुछ बचा नहीं है। सो आई एम गेटिंग क्लोजर टू इट एंड फाइनली आई एम हियर। ये होता होगा उस टाइम का एंट्रेंस गेट, ये देखो रेड फोर्ट के जैसा उस टाइम का एंट्रेंस गेट यही होता है, इस तरफ से आता होगा। अभी तो फिलहाल उस तरफ बनाया है, बट वो तो रिसेंटली बनाया होगा, पहले का एंट्रेंस गेट यही है। यहाँ पर दो गेट है, पहले ये गेट, उसके बाद उसके पीछे और एक गेट है, दो गेट है यहाँ पर। इवन ये पिलर को भी देखो, ये लोहे का पिलर है, ये भी डिज़ाइन का पिलर है। देखो आप लोग चेक करो गूगल पे, आप लोग जब सर्च करोगे ऐसा दिखाता है ये जगह, बट असल में देखो क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो लोग ऐसा मेंटेन करके रखा नहीं है, ये बहुत पुराना पिक्चर्स है, मैं 100% श्योर हूँ ये पिक्चर बहुत साल पुराना है। अभी का हाल 2023 पे ऐसा है, पूरा जंगल, इतना जंगल है कि आप, और जंगल का हाइट देखो, समझ पा रहे हो कितना ऊँचा है। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है जो पूरा मिट चुका है, डिसअपियर्ड होने शुरू हो गया, बहुत पुराना हो चुका है। तो लास्ट तक जाएंगे वो जगह तक, वहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा है हमें, वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे हमारा वीडियो को, क्योंकि बहुत डिसअपॉइंट भी हूँ और मैं जैसा एक्सपेक्ट करके आया ऐसा कुछ दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि यह पूरा जंगल हो चुका है, क्या ही दिखाऊँ, सब जगह पर जंगल ही जंगल है। तो ये वाला जो रोड है जो अभी जो है, और मैं पीछे जो गेट है मैं उस दिखाया, वो गेट का स्ट्रेट आता है ये पाथ इस तरफ जाता है। और यहाँ पे भी लास्ट पे एक टोम्फ जैसा बना हुआ है, उसको दिखा दूँगा आप लोग को। और ये जो है ये बहुत स्लिपरी है भाई, बहुत ही स्लिपरी है, चप्पल लगाओगे ना तो गिर जाओगे भाई, जूता लगाया थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ। ये मोनोलिथ नंबर 3 कुछ लिखा हुआ है, और इसका अंदर पे भी पूरा स्क्रिप्चर्स स्कल्पचर्स है बहुत सारा, उस तरफ पे भी है, बट देखो आप लोग पूरा जंगल हो चुका है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं अभी इसको पार करके जाऊंगा नहीं, बिकॉज बहुत रिस्की सा लग रहा है। ये देखो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है तुम सब। सो बस इतना सा ही है, पहले बहुत सारा चीज़ होता होगा, अभी तो मुझे बस इतना सा ही दिखाई दिया है, और जितना मैंने देखा है आप लोग को भी दिखा दिया है। तो जैसे कि हमने बताया कि ये जगह के बारे में, इसको क्या हाल करके रखा है, हाल बेहाल है पूरा ये जगह, कुछ मेंटेन नहीं है, पूरा जंगल हो चुका है, बहुत सारा चीज़ें तोड़ फोड़ चुका है। और आई होप सो कि नागालैंड गवर्नमेंट इन फ्यूचर इसको थोड़ा ध्यान रखे, कि ये भी एक टूरिज़्म का एक पार्ट है, और टूरिज़्म बहुत बूस्ट करता है अपना स्टेट को। तो वही बस यही बोलूँगा, और इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म कर दूँगा, और मिलते हैं आप लोग के साथ दूसरे व्लॉग्स में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ।